Om Shanti. Ek Sham, Ek Raja apne mantri ke saath kisi nadi ke tat par ghoom raha tha. और उसने नदी की ओर देखते हुए अपने मंत्री से पूछा, ये नदी किस ओर जा रही है? तो मंत्री ने कहा, पूरब की ओर. और फिर वहां से होते हुए समुद्र में मिल रही है. राजा ने पूछा, क्या पूरब के लोग इस नदी के पानी का उपयोग करते हैं? मंत्री ने कहा, जब नदी पूरब से जा रही है तो अवश्य ही करते होंगे. फिर राजा ने कहा, परंतु ये नदी हमारी है, पूरब के लोग इस नदी का पानी कैसे उपयोग कर सकते हैं? और राजा ने आदेश दिया कि तुरंत एक दीवार बना दी जाए और आज के बाद हमारा पानी पूरब के देशों की ओर न जाए. मंत्री ने कहा, परंतु इससे बहुत नुकसान हो सकता है. राजा ने कहा, नुकसान हो सकता है, नुकसान तो हो रहा है. जो हमारा पानी पूरब के देशों को मिल रहा है, वो कहता है तुरंत आज्ञा का पालन हो और एक दीवार बना दी जाए. मंत्री तुरंत कारीगरों को बुलाता है और एक दीवार बना देता है. और कुछ ही समय में नदी का सारा पानी अब घरों में घुसने लगता है और लोग बहुत परेशान होते हैं. सभी मंत्री के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि कुछ कीजिए. मंत्री कहता है, धीरज धरो, मैं कुछ करता हूँ. और वो एक युक्ति करता है. उस रात जो राजमहल में घंटी बजाने वाला होता है, उसको कहता है कि जब तुम घंटी बजाओ तो जितना बजा होगा उससे डबल बजाना. तो रात को 3 बज जाते हैं, तब वो घंटी बजाने वाला 6 बार घंटी बजाता है. इसका मतलब 6 बज गए हैं. और जब 3 बार घंटी बजाता है और राजा उठ जाता है और बाहर आकर देखता है, अंधेरा है. मंत्री वहां उपस्थित है. मंत्री से पूछता है, क्या सुबह हो गई? मंत्री कहता है, हाँ हो गई. राजा कहता है, फिर अंधेरा क्यों? मंत्री कहता है, क्योंकि हमने नदी का पानी पूरब की देशों के तरफ जाने से रोक दिया, शायद उन लोगों ने सूरज को इधर आने से रोक दिया है. तो क्या अब हम अंधेरे में रहेंगे? मंत्री कहता है, हाँ सुबह तो हो गई है, परंतु सूरज अब इस ओर नहीं आएगा. जब तक हम अपना पानी उनकी देशों की तरफ नहीं जाने देंगे, वो देश ईस्टर्न, इधर पानी इधर सूरज आने नहीं देंगे. राजा कहता है, तुरंत तुरंत दीवार को तोड़ दो. और दीवार को तोड़ने का काम आरंभ हो जाता है और सुबह होने तक दीवार टूट जाती है और सूरज उगता है. और राजा बहुत खुश हो जाता है और मंत्री से कहता है, तुम्हारी वजह से हमारी नगरी में फिर से सूरज आ गया, नहीं तो ये नगरी अंधेर में रहती.
मंत्री कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मेरा फर्ज था। ये कहानी एक मूर्ख राजा की है, ये कहानी एक विवेकहीन राजा की है, जो नदी की धार को रोकने चला, जो नदी को सागर से मिलने से रोकने चला। तो ऐसा ये राजा जो सोचता है कि यदि सूरज इधर ना आए तो हमारे देश में अंधेरा हो जाएगा, और सूरज आ जाता है और अंधेरा मिट जाता है, परंतु जीवन का अंधेरा अब भी है। परंतु जब मन, परंतु जब आत्मा राजा इस तरह विवेकहीन कर्तव्य करती है और मूर्खता पूर्वक कर्तव्य करती है, तब जीवन रूपी नगरी में वो सूरज शायद कभी भी उदित नहीं होगा। यदि आत्मा ही वो राजा है और हमारा जीवन ही वो नगरी है, तो क्या हमारे जीवन रूपी नगरी में निरंतर प्रकाश है, निरंतर रोशनी है, निरंतर उजियाला है? क्या हमारे जीवन के इस शहर में क्या ज्ञान का वो सूर्य निरंतर प्रकाशित कर रहा है? हर एक को अपने आप को देखना है। अभी अभी मुरली चली बाबा की इसी हॉल में, प्रश्न पूछा बाबा ने, अपने आप से पूछो मेरा पुरुषार्थ क्या है। डबल मास्टर बच्चों को बाबा देख रहे हैं, बच्चे भी हैं तो मालिक भी है। अब अपने आप से पूछो मेरा पुरुषार्थ क्या है। आधा कल्प कारण में रहे, आधा कल्प इस कारण ने तुमको नीचे लाया, अब कारण को निवारण करो। कारण निवारण और निर्वाण, भक्तों की आवाज़ तुमको सुनाई नहीं आती, समय की आवाज़ तुमको सुनाई नहीं आती, वो साइंस वाले क्या कुछ कर सकते हैं? सर्दी गर्मी, गर्मी सर्दी, तुम साइलेंस वाले क्या इस कारण शब्द से मुक्त नहीं हो सकते? तो यदि आत्मा राजा है, तो आत्मा के इस राज्य में, आत्मा के इस जीवन में क्या निरंतर प्रकाश है, या कोई दुख है, या कोई दर्द है, या कोई पीड़ा है, या कोई ऐसे भाव है जो हमें सौभाग्यशाली नहीं बनने देता? कल की संडे की अव्यक्त वाणी, स्वयं से पूछो मैं कौन सा भाग्यशाली हूँ, भाग्यवान हूँ, सौभाग्यवान हूँ, 1,000, 1,00,000 की पद्मा पदम। स्वर्ग में तो आऊँगा, परंतु कब और कहाँ? स्वर्ग में आना अच्छा है, परंतु अच्छे से अच्छा नहीं है। तो यदि आत्मा ही वो राजा है, और यदि ये राजा विवेकहीन हो जाए, इतना बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ उसके बाद में भी यदि जीवन में दुख है, तो उसे क्या कहेंगे? सुबह की साकार मुरली, सभी रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और वास्तव में ये बुद्धि की जंजीरें हैं। सारे बंधन मानसिक है, बाहर कुछ है ही नहीं। तो संसार में कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। आज इसी विषय पर
हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कुछ ऐसी गहरी धारणाओं की चर्चा करेंगे जो हर एक के जीवन में होनी चाहिए। यदि वो जीवन में नहीं तो ये जो आत्मा रूपी राजा है शायद चौपट है, शायद मूर्ख है, चाहे शायद मूर्खाधिराज है। तो ऐसी हम सूक्ष्म 21 धारणाओं की चर्चा करेंगे। उनमें से एक एक धारणा एक एक ब्राह्मण आत्मा के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यदि एक की भी कमी तो ये ब्राह्मण जीवन निरस रहेगा। जो भाग्य हमें मिला है शायद उस भाग्य से हम वंचित रहेंगे। भगवान मिल गया परंतु फिर भी अन मिला रह जाएगा, भगवान को पाया फिर भी अन पाया सा रह जाएगा। यह इतना श्रेष्ठ जीवन फिर भी जीवन में वो दिव्यता वो भव्यता नहीं आएगी। सुबह की मुरली में वाक्य था, बाप तुम्हें लेसन देते तुम उसे रिफाइन करो, बाप तुम्हें निबंध देते हैं, बाप तुम्हें निबंध देते हैं, उन पर कार्य करो। ये पढ़ाई भी है सुबह की मुरली तो ये समझानी भी है। हिंदी साहित्य के पितामह भरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया ये नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसमें एक साधु अपने दो शिष्यों के साथ, एक गुरु एक महंत अपने दो शिष्यों के साथ काशी नगरी में आता है, और वो एक शिष्य नगर में जाता है और पाता है यहाँ पर हर वस्तु एक ही भाव में मिलती है, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, मिठाई भी वही भाव में और सब्जी भी वही भाव में। और वो शिष्य कहता है मुझे तो यहीं रहना है, गुरु कहता है यहाँ मत रहो, यदि इस राज्य में ऐसा सब हो रहा है तो यहाँ ज़रूर खतरा है। वो कहता है नहीं मुझे तो यहीं रहना है। गुरु अपने दुष्ट शिष्य के साथ चला जाता है और वो एक शिष्य वहीं रह जाता है और रोज़ मिठाइयाँ खा खा कर बहुत मोटा हो जाता है। और एक दिन राजा के घर चोरी होती है और कहानी तो बहुत बड़ी है, परंतु अंततः एक कोतवाल को पकड़ा जाता है और राजा कहता है किसी बुढ़िया की कोई बकरी मर गई है, इसने मारी है, इसको फांसी की सज़ा दी जाए। और उसे फांसी की सज़ा दी जाती है, परंतु वो बहुत दुबला होता है और फांसी का फंदा बहुत बड़ा। राजा कहता है इसको छोड़ दो, कोई मोटे व्यक्ति को लेके आओ, उसकी जगह पर उसको फांसी दे दो। सैनिक आते हैं और शिष्य इस शिष्य को देखते और पकड़ के ले जाते हैं और वो शिष्य फंस जाता है। अपने गुरु को मनसा से याद करता है, वो गुरु आता है कहता है, गुरु कहता है मैंने पहले ही कहा था ऐसी नगरी में नहीं रहना जहां पर अंधेर नगरी है और चौपट राजा है। शिष्य कहता है पर अब मुझे बचाओ, तो गुरु कहता है जैसे मैं कहता हूं वैसा करो। उसके कानों में कुछ कहता है और दोनों झगड़ने लगते हैं। गुरु कहता है पहले मुझे फांसी होनी चाहिए, शिष्य कहता है पहले मुझे होनी चाहिए। दोनों लड़ते, राजा को आश्चर्य होता है, मृत्यु के नाम से तो लोग डरते हैं, ये दोनों झगड़ रहे आखिर राज क्या है। गुरु कहता है आज के दिन जिसको फांसी मिलेगी ये जो मुहूर्त है बड़ा ही शुभ है, सीधा स्वर्ग जाएगा। राजा कहता है तुम दोनों हटो, फांसी मुझे चढ़नी चाहिए क्योंकि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, और फांसी उसको हो जाती है। अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसा विवेकहीन न्यायहीन राजा। यदि मैं आत्मा ऐसा विवेकहीन चौपट राजा हूँ तो मेरे जीवन रूपी नगरी भी कैसी होगी, अंधियारी होगी, वहाँ कोई प्रकाश नहीं होगा और स्वयं स्वयं को देखना है कहीं मैं ऐसा तो नहीं। इक्कीस धारणाओं की बातें हम देखेंगे और यदि उनमें से एक धारणा भी कम है तो शायद हम वही मूर्ख राजा है, और अपनी मूर्खता को स्वीकार करना ज्ञानी का लक्षण है।
और ये मान लेना कि अभी तक हमने कुछ जाना नहीं है, जानना बाकी है, क्योंकि ज्ञान चाहे कोई भी हो अपने साथ अहंकार को जन्म देता है, परंतु वास्तविक ज्ञान वो है जो आत्मा में विनम्रता का भाव भरता है। अर्थात ये जानना कि मैंने जाना नहीं है, आज जानेंगे। वो दिन याद करो जिस दिन हम पहली बार बाबा के बने थे, पहला दिन वो जिस दिन कोर्स किया था, कैसी उत्सुकता थी, कैसा उमंग था, कैसा उत्साह था कि इस ज्ञान को समझूं, ये ज्ञान क्या है, भगवान यदि बोल रहा है तो क्या बोल रहा है। फिर से वही दिन में चले जाना है, फिर से वो छोटा सा बच्चा बन जाना है कि अब तक हमने जो जाना है शायद कुछ नहीं जाना, शायद वो सूचनाएं हैं। ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात परिवर्तन। फिर से उसी अतीत में चले जाना और सोचना कि आज से हम जानना चालू करेंगे, आज से समझना चालू करेंगे। यदि हम कहें कि हमने जान लिया तो ये कारण क्यों, ये कारण अब तक निवारण क्यों नहीं बने। उसी मुरली में बाबा ने कहा है दो बातों की कमी है, बेहद का वैराग, खुशी उमंग उत्साह, ये दो माध्यम है जिससे तुम खजानों को कार्य में लगाओगे। और वैराग की भी कमी है क्योंकि देहभान है और पुराने संस्कार है, अगर अंश भी है तो वो वंश का रूप धारण करेंगे। इसलिए बेहद के वैराग से इस अंश को भी समाप्त कर दो, ऐसा धधकता वैराग। जब तक अंतस में नहीं तब तक कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। यदि ऐसा वैराग हमारे अंदर आया नहीं है तो शायद ज्ञान की वो गहराई हमने अब तक नहीं छुई है। तो सबसे पहली धारणा, और ये धारणा यदि नहीं, यदि इस धारणा में यदि कमजोर है तो शायद हम ही वो मूर्ख राजा है और जिनके जीवन में अंधियारा है। और वो धारणा आप सभी जानते हैं जिससे हम सब ब्राह्मण आत्माओं की दिनचर्या की शुरुआत होती है, अमृत वेला। यदि अमृत वेला अब तक भी नियमित नहीं है, अगर अमृत वेला अब तक भी साधारण है, अगर अमृत वेला अब तक भी बुद्धि भटकती है, अमृत वेला अब तक भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं, जहां आत्मा ऐसे भर जाए प्रभु प्रेम से कि संसार और संसार की सारी बातें खो जाए, यदि ऐसा अमृत वेला नहीं तो हम वही मूर्ख राजा है। और एक सूक्ष्म बात सभी को बता रहे हैं जिसे अपनी डायरी में नोट करके रखना है, पुरुषार्थ सुबह जल्दी उठने का है ही नहीं। पुरुषार्थ सुबह जल्दी उठने का नहीं है, पुरुषार्थ है जल्दी सोने का। जो आकर्षण है रात के, रात का तिलिस्म, जो व्यर्थ की चीजें खींचती है सोने से पहले, यदि उन सब को रोक दिया जाए और जल्दी सोया जाए, जिन्हें सेवाएं नहीं है और जो सो सकते हैं, कोई ऐसे है जिनकी सेवाएं 11 बजे तक है, कोई ऐसे है कि जिनकी नाइट ड्यूटी है, कोई ऐसे है जो 8-10 घंटा ड्यूटी करके थक जाते हैं और घर लेट पहुंचते, परंतु यदि ऐसा नहीं है और यदि हम अपनी दिनचर्या को एडजस्ट कर सकते हैं तो लक्ष्य रखना है 9:30। जो जितना जल्दी सोएगा वो उतना जल्दी उठेगा। आयुर्वेद कहता है अमृत वेला चालू होता है 2 से 6 बजे तक। वात पित्त कफ, वात का जो मुहूर्त है वो सुबह का है, और यदि कार्य भी करने हैं तो वह सुबह उठ के किए जाए, क्योंकि सुबह का समय शक्तिशाली समय है। ऐसा समय दिनचर्या में और कहीं नहीं। और हम क्यों जागते हैं लेट,
हो सकता है कोई सेवा नहीं, कोई कार्य नहीं, परंतु फिर भी व्यर्थ की बातें करते हुए, व्यर्थ की चीज़ें देखते हुए, व्यर्थ की चीज़ें सुनते हुए, व्यर्थ संकल्प करते हुए, व्यर्थ बातें पढ़ते हुए यदि हम सो रहे हैं तो वह अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होगा। यदि टीवी देखते देखते और मोबाइल इंटरनेट में डूबे हुए हैं रात के समय तो अमृत वेला नहीं हो सकता। और यदि शक्तिशाली अनुभव करना है अमृत वेला, समय है 3:30 से पहले, जहां सन्नाटा है, मौन है, पर उसके लिए रात को सोने से पहले जो व्यर्थ की चीजें हो रही है उन सब को छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए पुरुषार्थ सुबह उठने का है ही नहीं, पुरुषार्थ है जल्दी सोने का। जो सो सकते हैं, जिनकी ड्यूटी है उनकी कोई और बात। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अमृत वेला स्वयं को प्रभु प्रेम से इतना भर दो, इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्रेम तुम्हें नहीं खींचेगा, नहीं तो किसका प्यार। अभी अभी मुरली चली थी संपूर्ण पवित्रता पर, किसी से प्रभावित होना भी अपवित्रता है, वो कामना भी काम का अंश है। तो स्वयं को फिर से जगाना है, स्वयं के मन से बात करनी है, अरे मूर्ख मन क्या कर रहा है। अस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन क्या कर रहा है, जाग। जिसका अमृत वेला शक्तिशाली, उसके जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर उसे स्वतः ही मिल जाता है। किसी के पास हमें कोई प्रश्न लेके जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे उत्तर ऊपर से मिलेंगे, सारी टचिंग्स ऊपर से आएगी। और जीवन के ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे जीवन के हैं, किसी और को क्या पता उसकी गहराई, वो हम ही जान सकते हैं। अमृत वेला सुबह सुबह अशरीरी हो जाओ, देह से डिटैच, जरा भी 1% भी नींद का असर ना हो, जागृत। यदि ये नहीं हो रहा है तो हमारे जीवन की नगरी में अंधियारा होगा। सेवाएं थी इसलिए बहुत देर तक जागे और उसके वजह से अमृत वेला ठीक नहीं हुआ, तो बाबा क्या कहेगा, बहुत अच्छा, माशुक से मिलने का समय क्या है। बाबा ने कहा एक सेवा तुम्हारे हाथ में दिया हुआ खिलौना है, और ये ना भूलना कि सेवा इज द 4th सब्जेक्ट, शायद आत्माएं इसे भूली हुई है। तो सबसे पहली धारणा और जिसको मजबूत करना है, यहां से जाने के बाद ब्रह्मा बाबा 33 वर्ष में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया, और यदि इसी मास में हमारा कई बार अमृत वेला मिस हो रहा है तो कहां से जीवन में दिव्यता आएगी। स्वयं से पूछो मैं कौन सा भाग्यवान हूं। संडे की मुरली, दूसरी धारणा ब्रह्मचर्य, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता। सुबह की साकार मुरली, भाई बहन की दृष्टि में भी, भाई बहन की दृष्टि भी चलायमान हो सकती है। चेक करो कोई विकारी ख्यालात तो नहीं आते, एक ही दृष्टि हो, सभी भाई सभी आत्माएं हैं, अखंड ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता। यदि बाकी सब कुछ है, सेवाएं बहुत कर रहे और बाकी सब है, परंतु सूक्ष्म में, संकल्प में, स्वप्न में ब्रह्मचर्य की धारणा खंडित हो रही है, तो हम उसी मूर्ख राजा की तरह है।
और ये सोच रहे हैं कि भगवान हमारी सेवाओं से खुश होगा, भगवान को तुम्हारी सेवाएं नहीं तुम्हारी प्यूरिटी चाहिए। कई बार मुरलियों में आया है फॉर माय सेक, मेरी खातिर, जन जन्म विकारों में गोते लगाए, अब विष की तरह त्याग कर दो उसका, संपूर्ण प्यूरिटी को धारण करना है। वो सूक्ष्म चेकिंग करनी है, वो कौन से संकल्प है, कौन सी भावनाएं हैं, कौन सी बातें हैं, कौन सी स्मृतियां हैं, कौन से अतीत के भोग है जो अब भी याद आते हैं और बुद्धि मन चलायमान होता है। और यदि इस सब्जेक्ट में ही कमजोर है, बाकी सारी बातें एक तरफ और केवल प्यूरिटी के बारे में दिन रात पढ़ते रहना। यज्ञ में एक किताब है संपूर्ण पवित्रता, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो ले और उसको पढ़ना चालू करे, उसके अतिरिक्त तो कुछ पढ़ना ही नहीं। दिन भर जब भी टाइम मिले थोड़ा सा पढ़ो, चिंतन करो, कल की साकार मुरली, एकांत में जाओ और विचार सागर मंथन करो। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बनो। इसे साधारण बात नहीं समझना। 15 नवंबर 2003 अव्यक्तवाणी, सफेद कागज पर काला दाग है, थोड़ा सा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत है। इसके लिए स्वयं को इस धारणा में चेक करना है। यदि ये धारणा ही कमजोर है तो कहीं ना कहीं दुख आएगा, और यदि जीवन में दुख है तो जरूर कहीं ना कहीं प्यूरिटी का खंडन हो रहा है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में। ये दूसरी धारणा। तीसरी धारणा, कंटेंटमेंट, संतुष्टता। भगवान को पा लिया, इतना बड़ा भाग्य मिल गया, परंतु जीवन अतृप्त है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। सांसारिक चीजें, संसार की वस्तुएं, अब भी जी नहीं भरा है, ये लूं, वो लूं, ये करूं, वो करूं। रिलीजियस माइंड इज नॉन एम्बिशियस माइंड। एक धार्मिक चित्त संसार की चीजों को नहीं चाहता है, क्योंकि संसार की वस्तुओं का स्वभाव अतृप्ति है। चाहनाएं, ये चाहिए, और यदि चाहनाएं है और कामनाएं है तो शायद सूक्ष्म में काम है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में जयपुर के राजा की कहानी आती है। एक मंदिर था, वहां ढेर सारे पुजारी थे, सभी ब्रह्मचारी थे। राजा ने कहा सभी मुझसे मिलने आओ, परंतु वो ऐसे तेजस्वी ब्रह्मचारी थे कि उन्होंने कहा हम क्यों मिलने आए, राजा हमसे मिलने आए। राजा ने कहा अब क्या किया जाए, और राजा ने ऐसी युक्ति लड़ाई कि उन सब की शादी कर दी, पुजारियों की। और अब जब राजा बुलाता है तो वो खुद ही चल के आते हैं। अभी उनकी बहुत सारी आवश्यकता है, मंदिर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, ये करना है, वो करना है, पहले नहीं आते थे, पहले आवश्यकता नहीं थी क्योंकि तेज था प्यूरिटी का, परंतु अब बंधन में फंस गए। अब आवश्यकता है, वस्तुएं चाहिए, चीजें चाहिए, अब चाटुकार बन गए हैं। लालच और कामना का संबंध है काम से, तो तृप्ति। बाबा से कहना कि तुमने जो कुछ दिया मैं तृप्त हूं, बहुत दे दिया, ये संस्कार है। और अतृप्ति भी एक संस्कार है, कितना भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए तो भी अतृप्त ही रहती है आत्मा। सबको टोली मिल रही है, हमको मिली पर हमको छोटा आम मिला, इसलिए दुखी है। पर दुखी तो है,
हर बात में अतृप्ति को ढूंढता है, असंतोष को ढूंढता है, और संतोष एक ऐसा संस्कार है, एक ऐसा संस्कार है कि चाहे कुछ भी हो सब कुछ मिल रहा है। कैसी भी परिस्थिति हो, आज सब है कल कुछ भी नहीं रहेगा तो भी तृप्त। यदि ब्राह्मण बनने के बाद, यदि श्वेत वस्त्र धारण करने के बाद और ये बैच लगाने के बाद भी हमारे मन में अतृप्ति है, कामनाएं हैं, तो शायद हमारा जीवन उस अंधेर नगरी की तरह है और हम ही वो चौपट राजा है। सुबह सुबह आत्मा को इतना भर दो, इतना भर दो कि उसे कोई कामना ही नहीं रहे। इस संसार से हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। दिल से कहना कि बाबा आपने हमें सब कुछ दे दिया। उसके बाद में चौथी मुख्य धारणा है डिटैचमेंट, डिटैच हो जाना। आज की सुबह की मुरली मोहजीत राजा की कथा आई, चाहे कोई भी मरता है तुम क्या करो, हलवा खाओ। डिटैच्ड, जो डिटैच्ड है वही शक्तिशाली है और जो अटैच्ड है वो कमजोर है, क्योंकि अटैचमेंट अपने साथ एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है और किसी भी तरह की अपेक्षा है, कोई मेरी स्तुति करे, कोई मेरा सम्मान करे, कोई मुझे प्रेम दे, सहानुभूति कर, केयर करे, अटेंशन करे, कोई मुझे शक्ति दे, सुख दे, शांति दे, ये सभी प्रकार की भीख है। इस आध्यात्मिक दरिद्रता से, स्पिरिचुअल पावर्टी से स्वयं को मुक्त करना है। डिटैच्ड, सबसे डिटैच्ड। शिव बाबा की जितनी महिमा है उसमें एक महिमा ऐड कर दी जाए, वो निर्मोह का सागर है। वो क्या है? निर्मोह का सागर है। उसे किसी से कोई मोह नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। प्यार बहुत लुटाता है पर वो डिटैच भी उतना ही है। हम भी उसके समान डिटैच्ड, सारी सेवाएं करते हुए, सारी धारणाएं करते हुए, इस ब्राह्मण परिवार में रहते हुए, संगठन के बीच चलते हुए, आंतरिक डिटैचमेंट। यदि ये अटैचमेंट है तो, यदि दुख है तो कारण अटैचमेंट ही है। अटैचमेंट सूक्ष्म हो सकती, केवल व्यक्तियों से नहीं, किसी पास्ट घटना से, पास्ट इवेंट से, अतीत की बातों से अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट। अब तक भी छूटी नहीं है आत्मा, वही चीज़ें याद करती रहती है जो अतीत में हो चुकी, जिनका अभी कोई महत्व नहीं है, जो हो गया वो हो गया। महात्मा गांधी ने लिखा है, When I sleep, I die. When I wake up, I am reborn. जब मैं रात को सोता हूँ तो मर जाता हूँ और सुबह जब उठता हूँ तो फिर से नया जन्म लेता हूँ। अब जो पास्ट का था, कल का दिन, वो हो चुका, उसका अब कोई चिंतन नहीं। आज मेरा नया जन्म हुआ है, आज की सुबह नई सुबह है, नई सुबह की ये नई किरण है। ऐसे हर दिन की शुरुआत करना कि जैसे ये नया दिन मिला है, नया अवसर फिर से हाथ आया है, अब मुझे अपने जीवन को फिर से श्रेष्ठ बनाना है, फिर से महान बनाना है। जो गलती अब तक हो गई वो हो गई। और एक बात हर एक ने देखी होगी अपने जीवन की, छोटी सी गलती थी परंतु बहुत पश्चाताप करना पड़ा, अब तक भी पश्चाताप जारी है, शायद वो गलती न करते तो। और तीव्र पुरुषार्थ की एक परिभाषा, इन्वर्टेड कॉमा, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक बार की हुई गलती फिर से न करना। गलती कभी हो ही नहीं, यह तीव्र पुरुषार्थ नहीं है, गलती तो होगी, ये मार्ग गिरने और चढ़ने का, उतरने का है। परंतु एक बार जो गलती हो गई उसको देखना, उससे सबक सीखना, लेसन लेना और फिर आगे बढ़ना। डिटैच्ड, जैसे एक व्यक्ति था जिसके पास एक कुत्ता था और वो कुत्ते से इतना प्यार करता था, पेट डॉग,
दिन रात उस कुत्ते को चिपका रहता था। एक दिन किसी व्यक्ति ने कह दिया, एक ऐसी बात उसको कह दी कि दिल को लग गई। इतनी आसक्ति इस कुत्ते से, डिटैच हो जाओ इससे। छोटी सी बात थी पर उसको इतनी अंदर गहरी लग गई कि उसने उसके बाद उस कुत्ते को अलग कर दिया, डिटैच हो गया। परंतु उसके डिटैच होने के बाद भी कुत्ता स्वयं तो डिटैच नहीं हुआ ना, वो रोज आते रहता था, रोज उसकी गोदी में बैठता, वो उसको हटाता फिर उसको गोदी में बैठता, फिर उसको हटाता फिर आता। जब उसकी पिटाई की फिर धीरे धीरे आना कम हुआ, ज्यादा पिटाई की आना बंद कर दिया और फिर आना एकदम ही बंद कर दिया। हमारे संस्कार भी हमारे पीछे ऐसे ही लगे हैं, यदि हम भी उनको छोड़ दे तो वो आते रहते हैं। ऐसी कुछ युक्ति करनी है कि उसके आने के सारे द्वार ही बंद हो जाए। कहां से आते हैं? स्टिमुलस क्या है? किस उत्तेजना के कारण फिर से उभर कर बाहर आते हैं? उसकी चेकिंग। तो डिटैचमेंट, स्वयं को सभी अटैचमेंट से मुक्त करते जाना है हर दिन। टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक दिन एक एक वासना को खत्म करते जाना। उसके बाद में अगली धारणा है इकोनॉमी, यज्ञ का भोजन, यज्ञ की वस्तुएं, यज्ञ की इलेक्ट्रिसिटी, यज्ञ का पानी, यज्ञ के साधन यदि हमारी वजह से वेस्ट हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बोझ है। पता नहीं क्या बना हुआ है, पूरी थाली भर कर ले लिया और आधा छोड़ दिया, पूरा एक ग्लास भर कर चाय ले लिया आधा छोड़ दिया, बोझ है। यदि पता नहीं ये कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज बनी हुई है, थोड़ा सा ही लो। यदि हमारी वजह से यज्ञ का एक कणा भी वेस्ट होता है तो हमारे सिर पर बोझ है, पहले ही पापों का बोझ बहुत है। ये दुख भंजक भोजन है, इसमें दुआएं भी है तो दवा का भी ये काम करता है। किसी भी चीज का वेस्टेज, और सूक्ष्म तो है संकल्प, और सूक्ष्म तो है बोल, समय, ये सूक्ष्म धारणाएं हैं। यदि हम सारे दिन भर स्थूल भी बहुत सारी चीजें व्यर्थ कर रहे हैं तो हम वही मूर्ख राजा की तरह है। और उसके बाद में अगली धारणा है भोजन, फूड। तीन बातें भोजन के लिए। सबसे पहले भोजन हमारा सम्यक भोजन हो। सम्यक भोजन अर्थात उसमें तीन बातें, ऐसा भोजन ना हो कि जो उत्तेजना क्रिएट करे, जिसमें बहुत तीखा है और बहुत तेल है। योगी का भोजन अल्प, योगी का भोजन, क्योंकि भोजन और ब्रह्मचर्य का संबंध है। सबसे पहले भोजन की तीन बातों में, पहला उत्तेजना उत्पन्न ना करे, दूसरा प्रमाद आलस्य ना लाए, इतना खाया इतना खाया इतना खाया इतना खाया, ओवर ईटिंग, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता, और मन आज तक कभी भरा भी नहीं है। और तीसरा स्वास्थ्यवर्धक हो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जो बच्चे अपनी गलती से बार बार बीमार पड़ते हैं बाप दादा उन्हें ज्ञानी तू योगी आत्मा नहीं कहते। अपने शरीर को चलाना जिसने नहीं सीखा वो राज्य को क्या चलाएंगे। अभी तक भोजन की सेटिंग नहीं की है अर्थात योगी नहीं। सम्यक आहार, सात्विक आहार, और जो भी भोजन मिले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, पत्र पुष्प फल कुछ भी हो मुझे अर्पण कर, उसे बाबा को अर्पण करते हुए खाना। और एक सबसे मुख्य धारणा भोजन के संबंध में,
मौन, भोजन मौन में स्वीकार किया जाए, सेवाओं का समाचार सुनाते सुनाते भोजन करना, बातें करते करते भोजन करना, योगी अर्थात मौन में भोजन करे, वो भोजन खाने का समय योग का समय बन जाए, भोजन पकाने का समय भी योग का समय बन जाए। तपस्या है बनाना और खाना दोनों। किसी एक अव्यक्त संदेश में बाबा ने कहा था, यदि कोई आत्मा योग युक्त होकर भोजन बनाए और खाए तो 50% ब्रह्मचर्य और प्यूरिटी स्वतः आ जाएगी, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु शायद हमारा ध्यान स्वाद की तरफ है, भक्ति मार्ग में है शोक वाटिका, और सतयुग है अशोक वाटिका, और ब्राह्मणों की है छोक वाटिका, जिसमें क्या करते रहते हैं, छोक लगाते रहते हैं हर चीज को, इससे बाहर निकलना है। जितना भोजन सात्विक होगा उतना ही मन शांत एकाग्र स्थिर प्योर होगा, जितना उसमें आवश्यकता से अधिक डाला जाएगा उतना डल होगा, उत्तेजित होगा, और फिर ब्रह्मचर्य भंग होगा। तो ये एक धारणा। अगली, थैंकफुलनेस ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद का भाव। विदेश में कहानी है कि एक मनुष्य धरती से स्वर्ग लोक में पहुंचता है, वहां देखता है बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वहां के फरिश्तों को पूछता है ये डिपार्टमेंट कौन सा है, वो कहता है ये रिसीविंग डिपार्टमेंट है, धरती से जितनी भी प्रार्थनाएं आती है यहाँ रिसीव होती है। आगे बढ़ता है, दूसरा डिपार्टमेंट देखता है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये यहाँ से डिस्पैच डिपार्टमेंट है, यहाँ से प्रार्थनाओं का उत्तर जाता है। तीसरी जगह जाता है, पहली दो जगह बहुत भीड़ है फरिश्तों की, बिजी है फरिश्ते रिसीव करने में और उत्तर देने में, तीसरे डिपार्टमेंट में दो तीन फरिश्ते हैं कोई काम ही नहीं बैठे हुए हैं। वो पूछता है ये कौन सा डिपार्टमेंट है, वो कहता है ये एक्नॉलेजमेंट डिपार्टमेंट है, जिनकी प्रार्थनाएं पूरी हो गई उनके तरफ से कोई भी खत नहीं आया कि हमारी प्रार्थना पूरी हो गई, हे प्रभु तुमने हमें बहुत दे दिया, ऐसा एक्नॉलेज करने वाले उत्तर देने वाले कोई है ही नहीं। तो हमारा जीवन ऐसा थैंकलेस जीवन ना हो, इसलिए क्या करना है, जीवन को ग्रैटिट्यूड से भरना है, अर्थात अहोभाव से भरना है। बाबा तुमने जो दे दिया बहुत दे दिया, हे यज्ञ के परिवार तुमने जो दे दिया बहुत दे दिया, हमारी सारी दादियों ने अपना जीवन दे दिया, सब हमारे लिए किया, हमारी दीदियाँ हमारी दादियाँ हमारे दादाएँ, यज्ञ का एक एक व्यक्ति एक एक वस्तु, यहाँ हम हैं कितने सारे सेवाधारी, कितनों ने कितनी मेहनत की हमारे लिए, हम जहाँ रहते हैं जिस परिवार में है जिस ऑफिस में है जिस सेवा केंद्र में है सबको धन्यवाद। थैंकफुलनेस, जो हृदय थैंकलेस है वो उसी चौपट राजा की तरह है जिसके जीवन में अंधियारा होगा। उसके बाद में अगली धारणा है हिम्मत। ब्राह्मण बनना अर्थात जन्म जन्म के सारे हिसाब किताब एकदम से सामने आएंगे, और इसके पहले भी कहा था इस ब्राह्मण जीवन में ये ब्राह्मण परिवार एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है, हमारा एक एक आत्मा के साथ हिसाब है, यहाँ पर बाहर की आत्माओं से इतना हिसाब नहीं है, यहाँ की आत्माओं के साथ ज़्यादा हिसाब है। इसके लिए ये ब्राह्मण परिवार ही क्या है, एग्जामिनेशन हॉल परीक्षा कक्ष है। इसके लिए यहाँ पर बहुत कुछ सहना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, कदम कदम पर झुकना पड़ेगा, और जो अपने अहंकार के आकाश में ऊपर बड़े खड़े हैं उनको गिरना पड़ेगा कई बार। इसके लिए इस यज्ञ में यदि सफलता पूर्वक चलना है
तो एक मंत्र अपनी डायरी में नोट करके रखना है, निरअहंकारिता, ईगो लेसनेस। तुम सब हमसे बड़े हो, आप सब महान हो, और जो टकराएगा अहंकार अहंकार से टकराएगा, संस्कार संस्कार से जब टकराएंगे तो द्वंद्व होगा और ज्ञान योग नष्ट हो जाएगा। इसके लिए अपनी हार मान लेना। दादी कहती थी हारमनी, और इस सब बात के लिए हिम्मत चाहिए। दादी जानकी ने कभी किसी क्लास में कहा था, ब्राह्मणों में इंसल्ट सहन करने की शक्ति बहुत कम है, अपमान को सहन करने की शक्ति बहुत ही कम है। इसके लिए हिम्मत हमारी वैसी नहीं है जैसे संसार की हिम्मत होती है। यहां पर हिम्मत अर्थात सूक्ष्म हिम्मत, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जितनी बार गिरो फिर उठो, क्योंकि शत्रु बहुत शक्तिशाली है। और ऐसा नहीं होगा कि हमारी सदैव विजय ही विजय होगी, हार भी होगी, परंतु जब जब हार हो तब तब फिर उठना है, फिर यात्रा आरंभ करना है, और भगवान साथ है। उसके बाद में अगली धारणा है निमित्त भाव, इंस्ट्रूमेंट, कूट कूट के अपने अंदर ये भाव भरना है। आज सुबह का स्लोगन क्या था, क्या था ये जो विशेषता है सब क्या है, प्रभु प्रसाद। जो भी हम में विशेषताएं हैं, सेवा की विशेषता, कोई विशेष हुनर, कोई चिंतन, भाषण, संचालन, हैंडलिंग पावर, मैनेजमेंट स्किल्स, पालना देने के संस्कार, जो कुछ भी हम में है सब कुछ कहाँ से आया है, ऊपर से। हम केवल नल है, पानी की टंकी ऊपर है, उस टंकी ने सोचा इस नल से पानी जाने दूँ। महिमा नल की नहीं, किसकी है, उस टंकी की है। तो हम वो सब नल है जिससे ये ज्ञान बहता है, जिससे ये सेवाएं हो रही है। तो हम में जरा भी सूक्ष्म में भी अहंकार न हो, ऐसी निरंकारिता, और ये भाव कि मैं निमित्त मात्र हूं। और इस बात को हमने कई बार सुना है, कई बार फिर से पक्का करना है। यदि अहंकार आता है कि मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, हमने किया क्या, ये एक प्रश्न है। क्या वास्तव में हम कुछ कर रहे हैं? संगम युग पर सारी सेवाएं ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा हो रही है, हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर किस बात का घमंड अहंकार कि मैं इंचार्ज, मैं हेड, मैं सबको चला रहा हूं, मैं पुराना हूं, मैं इतने साल से हूं, मैं यहां रहने वाला हूं, मैं वहां रहने वाला हूं। राजी तेरी रजा में, जहां वो रखे, जहां वो बिठाए, वहां रहना, इसी में महानता है। तिब्बत में कभी एक योगी हुआ था, तिलोरेपा। वो जब गुरु के पास पहुंचा, उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत सीखूं, बहुत सीखूं। बहुत बड़ा आश्रम था, कई हजार सन्यासी वहां थे। उसकी इच्छा थी कि मैं भी कुछ सीखूं। उसके गुरु कहते हैं, जाओ तुम जाकर वो तिल कूटो, और जब मैं बुलाऊंगा तभी आना। वो 12 साल तक बस एक ही सेवा करता है, तिल कूटने की, और कुछ नहीं। उस आश्रम में कभी कोई प्रवचन सुनने को उसे मिलता नहीं, कोई क्लास सुनने को उसको मिलती नहीं, कुछ नहीं। वो एक ही अपनी सेवा करते रहता है। और गुरु का जब अंतिम समय आता है और उत्तराधिकारी चुनना होता है, गुरु कहता है उसे चुना जाएगा, क्योंकि वो बिना सुने ही वहाँ अपनी सेवाएं करते करते ही, जो आज्ञा पालन उसने की वो करते करते ही वो संपूर्ण बन गया, और बाकी सारे जो बैठे और सब कुछ कर रहे उनकी बुद्धि भटक रही है। आज की मुरली में भी है, सत्संग में बैठते हैं परंतु बुद्धि भटकती है, भक्ति मार्ग में वारे हो जाते हैं। यहाँ पर भी वैसा है। तो जो भी सेवाएं मिली, मैं निमित्त हूँ,
हमें उसने दी है और उसको पता है यदि मुझ में टैलेंट है, यदि हुनर है, यदि स्किल है, तो वो डिसाइड करेगा कहाँ उसको यूज़ करना है। ये मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है। जहाँ वो रख दे, हम ये ना सोचे कि ये सेवा केंद्र क्यों, ये सेंटर क्यों, ये घर क्यों, ये जगह क्यों, वो स्थान ज़्यादा अच्छा है। जहाँ हम हैं वो सबसे बेस्ट है। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना होगा। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे और ना परिस्थिति, परंतु तुम यदि बदल जाओ तो सब बदल जाएगा। तो दूसरों को बदलने की फिराक में नहीं रहना, स्थान बदलने की चिंतन में नहीं रहना। ये स्थान बदल दो तो वहां अच्छा होगा, यहां पर एक रावण है तो दूसरे स्थान पर 10 रावण खड़े हैं। ये भी सूक्ष्म बात है। और जिसका जिसके साथ हिसाब किताब है वो छूट नहीं सकता। जीसस क्राइस्ट के शिष्य उसे कहते हैं, उस रात को उसे पकड़ने आने वाले हैं, वो कहते हैं कि यहां से भाग चलो, तुम्हें पकड़ने आने वाले हैं। वो कहता है कहां जाऊं, जो होना है वो होगा। वो दिखते हैं मशाल लेकर, वो सैनिक आ रहे, ढूंढ रहे जीसस क्राइस्ट को। उसके शिष्य कहते हैं अभी भी भाग जाओ। वो कहता है मैं क्यों भागूं, जो होगा सो होगा। उसके बाद में है तो ये मुख्य धारणा है। उसके बाद है जर्नी विद इन, अपने अंदर की यात्रा करना। और जो व्यक्ति केवल बाहर की यात्रा कर रहा है, सारा ध्यान सेवाओं की तरफ और बाहर की यात्रा में लगा हुआ है मन, और आंतरिक यात्रा भूल गई, जर्नी विद इन भूल गई, तो हम उसी चौपट राजा की तरह है। सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु सेवाओं के पहले 3-4 बातें आनी चाहिए, वैराग, त्याग और तपस्या। चौथे नंबर पर सेवा है। यदि सेवा में सीधा उतरते हो और जहां त्याग नहीं, जहां तपस्या नहीं, जहां वैराग नहीं, वो सेवा डिस्टर्ब कर देगी। ऐसी सेवा जिसमें ज्ञान योग समाया हुआ नहीं है, डिस्टर्बेंस का कारण बन जाती है और व्यक्ति फिर ज्ञान ही छोड़कर चला जाता है। तो हर दिन आंतरिक यात्रा करनी है। यदि हम ये नहीं कर रहे और सारा ध्यान डेकोरेशन में लगा हुआ है, और सारा ध्यान सेलिब्रेशंस में लगा हुआ है, और सारा ध्यान प्रोग्राम्स में लगा हुआ है, और सारा ध्यान भोजन में है, खाऊं खाऊं और क्या खाऊं, नाश्ते में ये बना, भोजन में ये बना, शाम को क्या बनाना है, दिन रात भोजन का ही चिंतन चल रहा है, तो क्या कहेंगे। स्वामी विवेकानंद से पूछा था, अमेरिका में आपके देश के धर्म का क्या हुआ? उन्होंने कहा था मेरा देश का धर्म चूल्हे चौके में जाके भस्म हो गया है। जहां पर किचन मंदिर है और भोजन भगवान, वेयर किचन इज गॉड टेम्पल एंड फूड इज गॉड। इन आसक्तियों से स्वयं को हटाना है, अलग करना है। उसके बाद कीपिंग चार्ट, चार्ट रखना, रोज का अपना चार्ट हो, सूक्ष्म चार्ट, चेकिंग का चार्ट, अपने आप को देखने का चार्ट। दूसरों को देखना बंद, स्वयं को देखना है, मुझ में क्या खोट है, कितनी कहाँ तक धारणाएं की है, कैसा मेरा अमृत वेला है, क्या इससे मैं संतुष्ट हूं। सभी चीजों से संतुष्ट रहना, पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं होना, कि और आगे बढ़ना है, और आगे करना है, और अच्छा हो। आज का जिस तरह का दिन बीता, स्थिति कैसी रही, याद कितनी रही, अशरीरीपन कितना रहा, और जो ये चार्ट रखते ही नहीं और करते ही नहीं, वो उस चौपट राजा की तरह है, जिनका सारा ध्यान दूसरे क्या कर रहा है, उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इस सेंटर में क्या हो रहा है, मधुबन में क्या हो रहा है, ये भाई कहाँ क्या कर रहा है, वो बहन क्या कर रही है, तुम्हें क्या करना है। मधुबन की बात है दीदी के समय की, एक भाई एक बहन जा रही थी आंगन में, वो बहन से पूछता है बहन जी आप कहाँ से हो, दीदी पीछे खड़ी थी, दीदी ने कहा उस भाई को शादी करनी है क्या, तुमको करना क्या है, कौन कहां से है, माइंड योर ओन बिजनेस।
उसके बाद है लव फॉर वन बाबा, एक बाप से ही प्यार, किसी भी देहधारी से प्यार नहीं। देहधारी से प्यार किया और देहधारी से बातें की और देहधारी से अपने जीवन की बातें शेयर की, उधर प्यार कम हो जाएगा, उधर प्यार बट जाएगा, कम हो जाएगा। और ये हर एक का अनुभव है, जब जब हमने देहधारियों से प्यार किया, बदले में धोखा ही मिला, दुख ही मिला, चाहे वो कोई भी आत्मा हो। जब जब बुद्धि देहधारियों की तरफ गई और एक्सपेक्टेशन से हम भर गए, दुख ही हाथ में आया और कुछ भी हाथ में नहीं आया। इसके लिए स्वयं को इन सब बातों से हटा देना है। आज सुबह की मुरली में था, इस विनाशी देह से क्या दिल लगाना, इस विनाशी देह से क्या दिल लगाना, किससे क्या दिल लगाए, क्या इस संसार की कोई भी आत्माएं मुझे समझ सकेगी। पति पत्नी 40 साल एक साथ रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। दूसरी आत्मा है कि हमें समझ पाएगी कभी? एक प्रभु के अतिरिक्त, एक परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार का कोई भी व्यक्ति हमारा सगा नहीं है, वो ही हमारा है, एकमात्र हमारा। अभी अभी मुरली चली थी संडे, पंजाब ग्रुप से मुलाकात। पार्टीशन के समय वो कहते थे कि इनका किसी से कोई कनेक्शन नहीं, ये भगवान के है और किसी के नहीं है, केवल उसके है और किसी के नहीं। उसके बाद में अगली धारणा है मुरली चिंतन। मुरली क्लास में जाना, मुरली क्लास में बैठना, मुरली की पॉइंट्स लिखना, योग करना और वापस आना, ये है पुरानी चाल। इतने से कुछ नहीं होने वाला, कई सालों से कर रहे हैं। अब आवश्यकता है चिंतन की, मनन की, अध्ययन की, गहरे चिंतन की। शब्द शब्द बाबा का महावाक्य है, एक एक लाइन तुम्हें फील होना चाहिए आज सुबह की मुरली कि हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कोई बड़ा कांटा है, कोई छोटा कांटा है, हम क्या है और क्या बन रहे हैं। शब्द शब्द निकालना है मुरली से, देखना उन्हें। भक्ति मार्ग में कहा जाता है सत्य का साक्षात्कार देखा जाता है, दर्शन कहा जाता है उसे। हम उन वाक्यों को देखें, उन्हें समझें और जीवन में आत्मसात करें, हृदयंगम करें। और मुरली चिंतन यदि नहीं हो रहा है, केवल पढ़ रहे हैं मुरली और केवल पॉइंट्स लिख रहे हैं, अपना कोई चिंतन नहीं है, केवल क्लासेस सुन रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। अश्वत्थामा पूछता है अपने पिता से, आप सब ने हम सबको समान शिक्षा दी, फिर अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों? द्रोणाचार्य कहते हैं, जो शिक्षाएं मैंने तुम सबको दी, अर्जुन वहां तक रुका नहीं, तुम सब उस शिक्षाओं से संतुष्ट हो गए, अर्जुन ने उस शिक्षा को दुर्ग बना लिया और उसके ऊपर और काम किया। वहां तक रुका नहीं, केवल जो मैंने जितना सिखाया, तुम सब ने जितना सिखा लिया बस हो गया, पॉइंट्स लिख ली, काम पूरा हुआ, आगे बढ़ना है, स्वयं का चिंतन करना है, उधार के चिंतन का ये जीवन चौपट राजा का जीवन है। उसके बाद में है न्यूनेस, नवीनता। अगली धारणा है नवीनता, वही अमृत वेला, वही मुरली और वही फिर नाश्ता और फिर दिन भर की सेवा, फिर शाम का योग और रात्रि का ज्ञान चिंतन और वही सोना, सेम दिनचर्या चालू है, उसमें नवीनता नहीं है। जब तक ज्ञान में नवीनता नहीं, योग में नवीनता नहीं, धारणा में नवीनता नहीं, सेवाओं में नवीनता नहीं, तब तक वो स्पार्क, वो चिंगारी इस जीवन में नहीं दिखेगी। नवीनता चाहिए हर समय, नवीनता। शिवरात्रि आ रही है, उस शिवरात्रि में नवीनता, वो अब चीज़ नहीं करनी है जो पिछले साल किया था, हर बार नवीन हो, हर क्लास नवीन हो, हर चिंतन नवीन हो, हर योग नवीन हो। जो सुबह अमृत वेला योग था वो दूसरे दिन दूसरा हो, उसमें नई विजुअलाइजेशन, नई कॉमेंट्री हो, नुमा शाम का हर दिन का नया योग हो, हर दिन में नवीनता ही नवीनता हो। ये नवीनता का जीवन है, नव जीवन है। यदि वही 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 करते जा रहे तो
बोर हो जाएंगे। बाबा ने कहा ये रमणीक जीवन है, पिकनिक करो अमृत वेला, ज्ञान सूर्य से किरणें लो, ज्ञान चंद्रमा की चांदनी में नाचो, देशों में जाओ, चक्कर लगाओ, बोर नहीं होना है। और नवीनता यदि नहीं है तो ढूंढो नवीनता, दूसरों के जीवन में देखो कहाँ नवीनता है और कैसे हम उस नवीनता को अपने जीवन में आत्मसात करें। और यदि जीवन डल है, वही ओल्ड पैटर्न पर चल रहे हैं, तो हम उस चौपट राजा की तरह है जहां अंधकार होगा जीवन में। अगली धारणा पेशेंस, धैर्य, धैर्य चाहिए। यहां अचानक सडनली कुछ भी नहीं होता है, बहुत धैर्यता से, धीरज से। लक्ष्य बहुत ऊंचा है हमारा और हम यहां हैं, पर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। उतावलापन, उत्तेजना यदि है तो काम नहीं होगा। एक शिष्य गुरु से पूछता है मुझे मेडिटेशन सीखना है, कितना टाइम लगेगा? वो कहता है 6 मास। वो कहता है मैं दिन रात यदि सीखूं तो क्या होगा, कितना टाइम लगेगा? उतावलापन दिखाता है। गुरु कहता है 1 साल। यहां धीरज चाहिए। और यदि हम सृष्टि की ओर देखें तो मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, इतना उतावला है। सूरज में कोई उतावलापन नहीं है, नदी में कोई उतावलापन नहीं है, ये हवा है, ये पक्षी सब आराम से अपना अपना काम कर रहे हैं, हम ही पागलों की तरह भाग रहे हैं। उत्तेजना इतनी भरी है, अभी के अभी चाहिए धीरज। उसके बाद है अगली धारणा कोटेशन एंड क्वेश्चन। बाबा ने कभी मुरली चलाई थी, कोटेशन देते हैं ब्राह्मण बच्चे, बाबा आपने इस मुरली में ऐसा ऐसा कहा था, बाबा ये भाई ऐसा ऐसा करते इसलिए हमने ऐसा किया, ये भी तो सोते हम भी तो सोते हैं, अमृत वेले के बाद सभी सोते हम भी सोते, तो क्या हुआ? किस किस को सोने की आदत है वैसे अमृत वेले के बाद? अमृत वेले के बाद का समय श्रेष्ठ चिंतन का समय है, मनन का समय है, अध्ययन का समय है, वॉकिंग का समय है, एक्सरसाइज का समय है, स्व की प्लानिंग का समय है। उस समय अमृत वेला करना और जाकर सो जाना कि कमाई चट। अभी इस धारणा को ठीक करना है, 1000 कारण नहीं देना है, कारण को निवारण करो। मुरली अभी अभी आप सुने, हमको रेस्ट नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता, जो भी है सेट करना है उसको, क्योंकि ऐसा समय फिर नहीं आएगा। 5 और 7 के बीच का समय जो सफल करेंगे उनका दिनचर्या सफल हो जाएगी। 5 o'clock to 7 o'clock के बीच का समय है, एकांत का समय है, प्रकृति के सानिध्य में जाने का समय है। उसके बाद है रिलेशनशिप, संबंध, आपसी संबंध, जहां संबंधों में टकराव है, दो व्यक्तियों के बीच एक ही जगह रहते हैं और दो व्यक्तियों का आपस में मनमुटाव है, तो उस सेवा केंद्र का वायुमंडल, उस घर का वायुमंडल, उस ऑफिस का वायुमंडल कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। एक ही जगह पर दो टकराव, अहर्निश संघर्ष चालू है, और संघर्ष का कारण एक ही है, मैं राइट हूं। अव्यक्तवाणी 2010 डबल फॉरेनर से मुलाकात, माया के 2 रूप है, एक है व्यर्थ संकल्प, दूसरा है मैं राइट हूं। अहंकार के सिंहासन पर बैठी है 2 आत्माएं, टकराती है एक दूसरे से। संबंधों में मिठास, संबंधों में मधुरता, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण डिटैचमेंट। 2 व्यक्ति अत्यधिक अगर समीप आ गए तो झगड़े चालू हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स चालू हो जाएंगे। इसके लिए 2 व्यक्तियों के बीच स्पेस चाहिए, अंतर चाहिए, साइलेंस चाहिए, एकांत चाहिए, चाहे एक स्थान पर ही क्यों ना रह रहे हो, परंतु फिर भी डिटैचमेंट। हर एक को इनर स्पेस की आवश्यकता है,
किसी के पर्सनल लाइफ में हमें इंटरफियर नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो। और यदि हम कर रहे हैं, और यदि हमारे संबंध ही मिठास भरे नहीं है, यदि संबंध और एक दूसरी सूक्ष्म बात, यदि दो व्यक्तियों के संबंधों में विकार है, तो क्या कहेंगे? और वो दो यदि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है, तो क्या कहेंगे? और जो कहते हैं हमारा पता नहीं कैसा संबंध है, प्रेम है, क्या है, समझ में नहीं आता है, जब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा संबंध कैसा है, अर्थात माया है, जो संबंध को किसी कोई नाम नहीं दिया जा सकता है, वो माया का ही एक सूक्ष्म रूप है। हमारा जीवन खुली किताब हो, ये हम और ये आत्माएं, बस यहाँ एक ही संबंध है सेवा का, यहाँ एक ही संबंध ईश्वरीय परिवार है, यहाँ एक ही संबंध है भाई भाई, यहाँ एक ही संबंध है भाई बहन। इसके अतिरिक्त नए नए संबंध स्थापन करना, विशेष भाई, विशेष राखी, विशेष टोली, पतन होगा, गिरेंगे। All spiritual friendships more often than not are converted into sensual friendships soon. वो जो आध्यात्मिक मैत्री हम जिसको कहते हैं, कामुक मैत्री बन सकती है। इसलिए डिटैच कर देना स्वयं को जब पता चल गया ये बंधन है। और सभी डिस्टर्बेंस का कारण है संबंध। किस तरह का संबंध हमने किस आत्मा से जोड़ा है, जिस तरह का संबंध होगा सारे कार्य व्यवहार उस तरह के होंगे। संबंध बीज है, बीज पर काम करना है, टाल टालियों पर काम नहीं करना है। मोबाइल नंबर फोन से डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। जिससे मोह है और जिससे आसक्ति है और जिसको पकड़े हुए जकड़े हुए है, अब उसके अवगुण देखना चालू करो। क्योंकि मोह से अगर छूटना है, किसी व्यक्ति के मोह में आत्मा फंसी है, उसके अवगुण देखो। ये वास्तव में अवगुण देखना नहीं है, सत्यता की ओर आना है। क्योंकि मोह के जाल में फंसकर हम उसके केवल गुण देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, इसमें वो सब कुछ है, पर हम वो नहीं देख पा रहे कि ये मेरा व्यक्तिगत मोह है। विदुर से युधिष्ठिराष्ट्र कहता है, क्या मेरा मेरे बेटे के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, दुर्योधन के प्रति? मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने बेटे के लिए कर रहा हूं। विदुर बार बार समझाता है, बार बार समझाता है, फिर भी वो धृतराष्ट्र एक ही प्रश्न पूछता है, वो मेरा बेटा है और मेरा दायित्व है उसके प्रति। विदुर कहता है, दुर्योधन आपका दायित्व नहीं, आपका रोग है। जिस व्यक्ति में हमारा मोह है, शायद वो हमारा रोग है, और उसे हमने प्रेम की संज्ञा दी है, उसे हमने सेवाओं की संज्ञा देकर ऊपर से लेबल लगा के रखा है कि हमारा सेवाओं का संबंध है, और शायद अंदर वासनाएं धधक रही है। उसके बाद अगली धारणा, साइलेंस, सॉलिट्यूड, इंट्रोवर्शन, मौन, एकांत और अंतर्मुखता, ये तीन चीजें। आवाज आवाज आवाज, सुबह से लेकर रात तक केवल आवाज, आवाज से थोड़ा बाहर निकलना है। भीड़ 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 से थोड़ा बाहर निकलना है, एकांत में आना है। बाह्य मुक्ता बाह्य मुक्ता बाह्य मुक्ता, दिन रात बोलना बोलना बोलना, बाहर की वस्तुओं को देखना, अंतर्मुक्ता खो रही है। ये तीन धारणा आध्यात्मिक जीवन के लिए अतिशय आवश्यकता है, आवश्यक है। मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता, यही तपस्या है। हम यहाँ तपस्वी बनने आए हैं, और बिना इन तीन चीज़ों के
जीवन दिव्य श्रेष्ठ नहीं हो सकता, और ये चीज़ें नहीं है तो हम उस मूर्ख राजा की तरह है जिसकी नगरी में केवल अंधकार होगा, और अंधकार और कुछ नहीं है। उसके बाद में अगली धारणा, ट्रेजर्स, खजाने। बाबा ने इतने सारे खजाने दिए, संडे की मुरली, किसने कितना वृद्धि की उसकी निशानी है, कितना कार्य में लगाया, कितना सेवा में लगाया। और खजाने तो बहुत है, परंतु दो खजाने हम आपको बता रहे हैं केवल, संकल्प और समय। इन दोनों को वेस्ट नहीं करना है। और लास्ट धारणा, उमंग, उत्साह। 21वीं धारणा, उमंग, उत्साह। यदि इस जीवन में उमंग, उत्साह ही खो गया है तो हम आगे चल नहीं पाएंगे। ढूंढना है वो कारण जिस वजह से उमंग, उत्साह खत्म हुआ है। तो ऐसी ये टोटल, वैसी तो बहुत हो सकती है, परंतु 21 धारणाओं की बातें हमने आज चर्चा की। अपने आप की चेकिंग करनी है, अपने आप को देखना है। तो अभी योग का समय है, सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। संपूर्ण मौन। संपूर्ण एकाग्रता। चित्त स्थिर। चैतन्य सत्ता हूं, स्थूल देह में विराजमान, चेतना की वह शक्तिशाली तरंग, मैं हूं। ज्योति स्वरूप मैं एक दिव्य आत्मा, मुझ आत्मा से पवित्रता की दिव्य किरणें फैल रही हैं।
संपूर्ण वायुमंडल अव्यक्त संपूर्ण चेतना भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित इसी अव्यक्त वायुमंडल में स्वयं को योग की स्थिति में स्थित करना Shantivan.